हाय गाइस, आपको तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में तो पता ही होगा, बट आपको क्या ये पता है कि यूजीसी हैज अलाउड यू गाइस टू परस्यू 2 courses simultaneously. Hi and welcome to IGNOU Dost for your IGNOU courses, and today we will be talking about the guidelines to pursue 2 academic degrees simultaneously. So this is the newspaper report of the guidelines that had come out. ये जो guidelines आई थी वो 2022 में आई थी, पिछले साल ये guidelines out हुई है. तो आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि UGC frames guidelines allowing students to pursue 2 academic degrees simultaneously. That means कि अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने बैचलर्स में अगर एक डिग्री परस्यू कर रहे हैं तो आप उसके साथ साथ कोई और डिग्री भी कर सकते हैं, एंड सेम गोज फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन. तो the University Grant Commission on Friday asked all universities to make statutory changes in their structure, facilitating students to pursue 2 academic degrees simultaneously in physical mode. UGC had approved the proposal in April, allowing students to pursue 2 full-time degrees together. तो last year April में आया था ये गाइडलाइन और ये रूल डिसीजन कि यूजीसी अब अलाउ करेगी 2 कोर्सेज एक साथ करवाने का. एंड इन्होंने बोला है यूनिवर्सिटीज को, जो भी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हैं, कि भाई अपना स्ट्रक्चर अब आप चेंज करके इस गाइडलाइंस को अकोमोडेट करने के लिए नए स्ट्रक्चर्स बनाए. अब आप सोच रहे होंगे कि वाओ, ये तो बहुत अच्छी बड़ी बात है, लेकिन इसे फॉलो कैसे करना है. तो इसके लिए हम लोग अब बात करेंगे यूजीसी के प्रॉपर गाइडलाइंस की जो उन्होंने निकाली थी. सो आपका जो गाइडलाइन है वो यहाँ पर अवेलेबल है. सो दिस इज द गाइडलाइन. आइए, दिस इज द गाइडलाइन. एज यू कैन सी, गाइडलाइन फॉर परस्यूइंग 2 academic programs साइमल्टेनियसली. ये आप गूगल पे भी आपको मिलेगा. अगर आपको देखना है तो आप उसे सिंपली गूगल पे लिख दीजिए यूजीसी गाइडलाइंस फॉर साइमल्टेनियस एकेडमिक डिग्रीज. आपको वहाँ वो पीडीएफ मिल जाएगा. यूजीसी के मेन वेबसाइट पे ये पीडीएफ अवेलेबल है. तो ये अप्रैल 2022 में निकला था. सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द गाइडलाइंस एंड द एनईपी. सो एनईपी के थ्रू ये गाइडलाइंस आउट करी गई थी. एनईपी का बेसिक आइडिया यही है कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टेट्स दैट द पेडागॉजी मस्ट इवॉल्व to make education more experiential, holistic, integrated, inquiry-driven, discovery-oriented, learner-centered, discussion-based, flexible, and of course, enjoyable. The policy envisions imaginative and flexible curricular structures to enable creative combinations of discipline for study that would offer multiple entry and exit points, thus removing currently prevalent rigid boundaries and creating new possibilities for lifelong learning and centrally involve critical and interdisciplinary thinking. तो एनईपी का बेसिक आइडिया था कि जैसे अभी एनईपी के आने से पहले हमारा एजुकेशन सिस्टम काफी रिजिड था. दैट इज कि आपके पास आपको 3 साल की बीए की डिग्री करनी ही करनी थी ताकि आप वो डिग्री ले पाए. अब क्या है कि आपको मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं कि आप 1 साल के बाद अपना बीए छोड़ सकते हो, 2 साल के बाद आप अगर छोड़ोगे तो आपको आपको डिप्लोमा मिल रहा है, आप 3 साल के बाद छोड़ रहे हो तो आपको ऑनर्स मिल रहा है. ऐसे करके उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस बनाए हैं, एग्जिट ऑप्शंस, आपको बेनिफिट करने के लिए, आपके इंटरेस्ट को मुद्दे पे रख के. सो इट इज वेरी फ्लेक्सिबल फॉर यू. दैट इज वाई ये जो गाइडलाइंस आई हैं 2 कोर्सेज की, वो भी एनईपी के अंडर है. एंड ये इतनी फ्लेक्सिबल है कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी फॉर दोज पीपल हु वांट टू परस्यू 2 कोर्सेज एक ही साथ. एनईपी के पहले अलाउड नहीं था, बट नाउ इट इज वेरी पॉसिबल. सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द एनईपी, एंड आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके. सो लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स एज वी डिस्कस the objectives earlier as well. So हमारे पास objectives में है to allow the students to pursue 2 academic programs simultaneously, keeping in view the following objective envisaged in NEP 2020. First, recognizing, identifying, and fostering the unique capabilities of each student by sensitizing teachers as well as parents to promote each other's holistic development in both and non-academic spheres. तो बोल रहे हैं कि हर बंदे, मतलब हर एक इंडिविजुअल के जो भी उनकी खूबियां हैं, उनके टैलेंट है, उसे मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये ऑब्जेक्टिव निकाला है. सो दैट इफ वन इज ऑल्सो लाइक एकेडमिकली एंड नॉन एकेडमिक, जो आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एरिया है, नॉन एकेडमिक एरिया है, उसमें भी आप लोग एक्सेल कर पाए, ये ऑब्जेक्टिव था इसका. नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस, बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल एंड एकेडमिक, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट हार्मफुल हायरार्कीज अमंग एंड साइलोज बिटवीन डिफरेंट एरियाज ऑफ लर्निंग. तो जैसे कि हमने सुना था पहले कि अगर आप सपोज BA ऑनर्स इंग्लिश कर रहे हो एक जगह यूजी से, तो आपको 3 सालों कंप्लीट करके ही आप कोई दूसरा कोर्स कर सकते हैं। सो आप साइंस वाले आर्ट्स नहीं, साइंस वालों का आर्ट का रिस्ट्रिक्शन, आर्ट वालों का साइंस का रिस्ट्रिक्शन, मैथ्स नॉन मैथ्स, देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस जो अब इसके तहत कम होंगे। एज सेड, एग्जिट एंड एंट्री बैरियर्स कम होने वाले हैं। वोकेशनल कोर्सेज आपको लेनी है अपने एकेडमिक कोर्सेज के साथ, वो भी आप कर सकते हैं। सो दैट देयर इज नो सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी इन अमंग कोर्सेज और इनफीरियोरिटी एज वेल। So multidisciplinary and holistic education across the sciences, social sciences, arts, humanities, and sports for a multidisciplinary world in order to ensure unity and integrity of all knowledge. तो यही बोल रहे हैं कि एक बंदा, इनका आइडिया यही है कि जो उनका एजुकेशन सिस्टम है जो पहले बहुत वन फोकस था, एक डिसिप्लिन फोकस था, अब उसको मल्टी डिसिप्लिन लेके आने का तरीका ढूंढ रहे हैं। सो मल्टी डिसिप्लिन एज इन दैट वन पर्सन कैन डू आर्ट्स, कैन डू साइंस, कैन डू स्पोर्ट्स, एवरीथिंग, बिकॉज आज का टाइम इज ऑफ मल्टी स्किल्स, मल्टी डिसिप्लिन। तो अभी उससे केटर करने के लिए इन लोगों ने ये ऑब्जेक्टिव दिया है कि हम इसके थ्रू ये अचीव कर रहे हैं। Enabling an individual to study one or more specialized areas of interest at a deep level and also develop character, ethical and constitutional values, intellectual curiosity, scientific temper, creativity and spirit of service. So you are through this guideline, through this provision, you will be able to study more than one course simultaneously and आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जान पाएंगे, उसे समझ पाएंगे, उसके बारे में और समझने के थ्रू आप उसका एप्लीकेशन और ले पाएंगे और फिर आप डिसाइड भी कर पाएंगे कि अच्छा क्या मुझे इस कोर्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए या मुझे अपने दूसरे कोर्स के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ओवरऑल इट विल हेल्प यू इन गेनिंग योर नॉलेज। Next we have offering the students a range of discipline including sciences, social sciences, arts, humanities, language as well as professional, technical and vocational subjects to make them thoughtful, well-rounded and creative individuals. Again it is saying the same thing that they are offering you different courses so that you are not just academically informed but you also have professional skills, vocational skills, technical skills, so isliye ek holistic learning dene ka idea hai। And finally preparing students for more meaningful and satisfying lives and work roles and enable economic independence। अब यहाँ से आती है इंपॉर्टेंट बात गाइडलाइंस की। गाइडलाइंस क्या है? आपने ये तो बता दिया कि भाई कोर्स दे रहे हैं, एनईपी क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों ला रहे हैं। अब मेन बात है कि गाइडलाइंस क्या है इसकी। सो गाइडलाइन, सबसे पहला गाइडलाइन है अ स्टूडेंट कैन परस्यू फुल टाइम एकेडमिक प्रोग्राम इन फिजिकल मोड प्रोवाइडेड दैट इन सच केस क्लास टाइमिंग्स फॉर वन प्रोग्राम डू नॉट ओवरलैप विद द क्लास टाइमिंग ऑफ द अदर प्रोग्राम। तो बेसिक बात है कि एक क्लास टाइमिंग आपके दूसरे क्लास टाइमिंग के साथ क्लैश नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आप जब रेगुलर भी क्लासेस जाते थे, देयर वुड बी टाइम्स जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये नहीं होता था ना कि दूसरे सब्जेक्ट की भी क्लास सेम टाइम में लग रही है, ऐसा नहीं होता। तो इन्होंने यही कहा है कि इफ यू आर गोइंग ऑन फिजिकल मोड, फिजिकली जाके यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में जाके आप पढ़ाई कर रहे हो, देन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो क्लास टाइम, सपोज आपने BA ऑनर्स इंग्लिश कर रहे हो, साइमल्टेनियसली आप BA ऑनर्स मैथ्स कर रहे हो, तो इट शुड नॉट, द क्लास टाइमिंग शुड नॉट ओवरलैप विथ ईच अदर। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। Second is a student can pursue 2 academic programs, one in full time physical mode and another in ODL, that is your open and distance learning, or up to 2 ODL programs simultaneously। तो आपके पास कॉम्बिनेशन ऐसा हो सकता है, एक फिजिकल, अब दो आपने नहीं तो फिजिकल मोड कर लिए जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में क्लियर कर लिया। सेकेंड इज कि आप एक फुल टाइम फिजिकल मोड कर रहे हो, सपोज आप अभी अपना आप B.Com कर रहे हो बैठ के, ठीक है, एंड आपको दूसरा जो कोर्स है आप B.Com आप सपोज कहीं ऑनलाइन आप इंग्लिश कर रहे हो, तो दिस वे इधर आप फिजिकल, दोनों फिजिकल लीजिए या एक फिजिकल कोर्स लीजिए और एक ODL लर्निंग के कोर्स लीजिए, अदरवाइज आप दोनों ODL ऑनलाइन प्रोग्राम से साथ में ले सकते हैं। लाइक B.Com एंड BA इंग्लिश ऑनर्स आप दोनों ऑनलाइन कर रहे हैं, इट कैन ऑल्सो हैपन। Now, degree or diploma programs under ODL or online mode shall be pursued with only such universities which are recognized by UGC, Statutory Council, Government of India for running such programs. Now, this is a very important pointer because India may, like in general, there is a lot of scam that happens in the name of education. There are universities which are not recognized. There are institutions which are not recognized by UGC that gives out degrees, certificate, diploma, online mode में तो specially आज के time पे online mode पे specially ऐसे कोर्सेज, डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज आ गए हैं जो कहते हैं कि हम आपको डिग्री देंगे, आप डिस्टेंस लर्निंग कर लीजिए, बट इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी। तो यही बोला जा रहा है कि इफ यू आर डूइंग एनी डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम by like in an online mode, then it must be recognized by the UGC council, statutory council or the government of India. So please check करके जाइएगा आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। Now we have degree or diploma program under these guidelines shall be governed by the regulations notified by the UGC and also the respective statutory professional councils wherever applicable. So again, it should be UGC recognize the university and all the sanction of the degree or the diploma programs or how the programs are managed should be in adherence to the guidelines given by the UGC. UGC के guidelines के basis पे ही आपको आपकी degree आपको मिलेगी, आपकी पढ़ाई चलेगी. So there is no separate body for that. Next we have these guidelines shall come into effect from the date of their notification by the UGC. No retrospective benefit can be claimed by the students who have already done 2 academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines. तो उन्होंने ये बोला है retrospective benefit नहीं है. That means कि 2022 में ये अनाउंस हुआ था. So 2021 या 2020 या 2019 में आप अगर आप बैठ के ये कर रहे हैं कि आप 2 simultaneously degree कर रहे हैं, that won't be recognized. कौन सी डिग्रीज रिकॉग्नाइज होंगी जो आप इस अनाउंसमेंट के बाद कर रहे हैं, दैट इज आफ्टर लाइक सिंस 2022 इफ यू हैव स्टार्टेड डूइंग लाइक जब से गाइडलाइंस आउट हुई है, इफ यू आर परस्यूइंग 2 डिग्री साइमल्टेनियसली आफ्टर द गाइडलाइंस हैव कम आउट, देन ओनली इट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड द यू कैन क्लेम द प्रोविजन. ओके, सो ये जो पर्टिकुलर आपका गाइडलाइन है एंड जो प्रोविजन है वो बस आपको डिग्री में मिल रहा है और पोस्ट ग्रेजुएशन, दैट इज इन योर बैचलर्स एंड योर पोस्ट ग्रेजुएशन. सो इफ यू आर डूइंग योर बैचलर्स देन यू कैन डू योर साइमल्टेनियसली आप एक अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं. अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो आप नहीं तो आप अपने एक बैचलर्स डिग्री उसके साथ साथ कंप्लीट कर सकते हैं. दिस इज हाउ योर सिस्टम वुड वर्क. हाउएवर पीएचडी इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस प्रोविजन. The above guidelines shall be applicable only to the students pursuing academic programs other than the PhD program. Dekho, because PhD program is quite a heavy program. Doing the PhD is not a joke. It's a very serious affair. So, इसीलिए उन्होंने PhD को scope से बाहर रखा है. बाकी सारे जितने भी academic programs हैं, अगर आप diploma कर रहे हैं तो diploma, post graduation कर रहे हैं तो post graduation, ये सब उसके अंदर ambit में आ रहा है. Based on the above guidelines, the university can devise mechanisms through their statutory bodies for allowing the their students to pursue 2 academic programs simultaneously as mentioned above. तो इसमें यही बोल रहे हैं कि अब यूनिवर्सिटी के पास वो है डिस्क्रिशन कि वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना लें. तो ये बोला गया है. सो दिस इज द होल गाइडलाइंस फॉर परस्यूइंग 2 प्रोग्राम साइमल्टेनियसली. अब हमने बात कर ली कि यूजीसी के क्या गाइडलाइंस थे, what all you should be aware of, and universities की क्या responsibility है. Now I will show you some the video interview of which happened when these guidelines were out with M Jagdishan. तो उन्होंने जब ये interview करा था, there were people there. तो it's an online interview. उसके थोड़े clips हैं जो आपको Q&A आपको समझ आएंगे कि क्या क्या they are saying and उसके important highlights. So you mentioned that this will allow students to pursue 2 degrees. So are we talking about graduation and undergrad and postgrad levels? No, it has to be at the same level. So 2 simultaneously undergraduate level programs or 2 postgraduate programs, because if I am just doing only 1 undergraduate program, I will not have the eligibility to do the master's program unless I complete my undergraduate program. तो उस वीडियो में ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइक व्हाट इज द मेथड ऑफ परस्यूइंग 2 डिग्रीज टुगेदर. क्या एक बैचलर्स डिग्री वाला बंदा पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले सकता है या नहीं. सो द यूजीसी चेयरमैन सेड कि इफ यू आर परस्यूइंग बैचलर्स देन यू कैन ओनली परस्यू अनदर बैचलर कोर्स बिकॉज आपका क्वालिफाइंग यू नॉट बी एलिजिबल टू परस्यू अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स. However, अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट का बंदा बैचलर्स कोर्स परस्यू करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसको अलाउड है वो करना बिकॉज एलिजिबिलिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं है. Sir, you have said that it is not mandatory for every university to adopt this guideline. Right. Suppose that a student is pursuing his degree 1 from University A, and he want to do a degree 2 from University B. Right. But University A is not allowing him to pursue another degree from University B. In such a circumstances, what will be the guidelines? Well, it is left to the universities. After all, they are autonomous entities, and their statutory bodies have to discuss this, and they have to enable their students to have this kind of flexible education. And since we are in the process of implementing the national education policy, and we are in discussion with the vice chancellors across the country, we hope that this kind of flexibility will be provided to the students. So in this, he said that it is up to university's discretion. That means कि when the person asks कि भाई अगर मैं कॉलेज A से एक डिग्री पढ़ रही हूँ और मुझे कॉलेज B में दूसरी डिग्री करनी है, क्या मैं वो कर सकती हूँ अगर मुझे वो दूसरी मेरा कॉलेज अलाउ नहीं कर रहा तो. सो द आइडिया इज कि इन्होंने गाइडलाइंस दे दी हैं, बट इट इज अप टू कॉलेज डिस्क्रिशन एंड द स्ट्रक्चर एंड द रूल्स दैट दे मेक whether you can pursue it or not. It is nowhere said that it is compulsorily the colleges have to apply all the guidelines, and उनके पास कब तक apply करना है या कोई fixed date है, वो सब उन्होंने कुछ नहीं बोला है. उन्होंने बोला है कि these are the guidelines, you can apply it, but it is up to university's discretion. And तो इस पे भी और अभी बातें चल रही है, statutory bodies मिलके VCs मिलके decide कर रहे हैं how to go forward, MOUs कैसे बनने हैं, वो सब इस पे हो रहा है. If we want to do 2 degrees, they both have to be at undergraduate or at postgraduate levels. Right. So let's say that this year I am getting admitted to a bachelor's BA course. And the next year, in my second year of my BA course, I want to get admitted to a B.Com course in the evening, which is not there in the same time slot. Right. So is that possible, or does it have to be started in the same year? Absolutely not required at all. That is the idea of providing flexibility. Let's say I'm doing my BA, and at the end of second year, while I'm entering the third year, at that stage, I decide to start a new bachelor's degree program. I think the student should be given freedom to do that. We should not put too many restrictions that both the programs should start simultaneously, both should end at the same time. All those restrictions should not be there. There should be as much flexibility as possible to the students. So in this, the lady asked, like, can we this simultaneous process of studying 2 courses? Is it from the first year of bachelor, or मैं आगे जाके second year में अगर मेरा मन बदलता है तो मैं कर सकती हूँ या नहीं? तो जो यूजीसी के चेयरमैन है, उन्होंने वो क्लियर करा है कि आप अपने जो भी एकेडमिक ईयर है उसमें उसे कंटिन्यू कर सकते हैं. इन द सेंस कि if suppose I am studying pol science orders in my first year, and in second year I thought कि चलो मुझे stream change करनी है, I don't want to do I think pol science के साथ economics is a very good option for me, so I can in second year pursue my BA honors economics, despite of the fact कि मैं अपना first year pol science में कर रही हूँ एक साथ. So as soon as I enter my second year, I am doing my B.A. economics as well. तो आपको ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि first year में ही you have to choose your 2 courses. It is not compulsory. It is up to you whether you choose it in any year of your academic sessions. अब second year में जाके आराम से B.A. honors economics लेना है, English honors लेना है, संस्कृत लेना है, journalism लेना है, कुछ भी ले सकते हैं. But ध्यान रखिए, if you are doing bachelor's, then you can only pursue maybe a diploma or a bachelor's, not a postgraduate. But during examinations, dates might overlap. Have you taken that into account? So typically an evening program, I assume that their exams are also in the evening. Right. So it is up to the institutes to decide. For example, if 2 institutes have an MOU, right, and if they have decided to let each other's students to do 2 simultaneous degrees, they can then work out the timetable schedules, exam schedules, and so on. So this is a very important question that he asked, ki what if the dates clash? अगर आपने इवनिंग कोर्स लिया है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पेपर वुड बी इन द इवनिंग टाइम पीरियड, लाइक आफ्टर 2:30. हाउएवर इफ द कोर्सेज यू हैव चोजन, अगर ऐसा पॉसिबिलिटी निकला कि वो क्लैश हो जाए तो क्या करें? दैट इज व्हाट ही आस्क्ड. सो दिस चेयरमैन सेड कि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज इवनिंग कोर्सेज आर जनरली पुट अप इन द इवनिंग स्लॉट. However, it is dependent on the MOU signed between memorandum of understanding signed between the two universities, जहाँ से आप वो कोर्स परस्यू कर रहे हैं. So it is up to them to build a proper timetable, date, structure ताकि कोई clashes ना आए. So इस इंटरव्यू के थ्रू उन्होंने सब क्लियर कर दिया है. ये मेजर डाउट्स जो थे वो पिकआउट करे हैं इस वीडियो से. So आप वो वीडियो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, उसे आराम से देख सकते हैं. उसमें सारा क्लियर कट बताया हुआ है कि कैसे ये प्रोसेस चलेगा. एंड देन यू ऑल्सो हैव द PDF विद यू. प्लीज डाउनलोड द PDF एंड इफ यू वांट यू कैन स्टडी इट वन मोर टाइम. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन ऑलवेज पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. अदरवाइज बहुत क्लियर है कि आप 2 डिग्री कर सकते हैं. NEP के अंदर आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है, बिकॉज लाइक बिफोर NEP you couldn't, there was a lot of rigidity in terms of pursuing or entering into new fields or different streams. Now you don't have that restrictions, तो उसको अच्छे से यूज करिए, ये उनका बोलना है. तो इसी के साथ आई होप आपको समझ आ गया हूँ हाउ टू गो अबाउट योर कोर्सेज. एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर थिंकिंग कि अच्छा मुझे ये लेना चाहिए, मुझे ये लेना है, शुड आई गेट दिस और नॉट, गो फॉर इट. आप एक बार गाइडेंस पढ़िए. इफ इट इज फीजिबल फॉर यू देन प्लीज डू इट. अदरवाइज इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज पुट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. बाकी अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो आप वीडियो वापस देख सकते हैं, उसमें आराम से बताया गया है. अदरवाइज यू कैन जस्ट चेक आउट द PDF as well. तो मैं मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ. तब तक ऑल द बेस्ट.